कुंभक हमारे शरीर के लिए इतनी शानदार क्रिया है जो कि श्वास रोकने को कहा जाता है। आपको याद नहीं होगा कि बचपन से अब तक क्या आपने श्वास रोकने का अभ्यास किया है। ऋषि मुनियों की बात करें तो हजारों हजारों साल तक उनके जीने का उल्लेख शास्त्रों में इस वजह से है क्योंकि वो प्राणायाम करके अपने श्वासों को रोकते थे, साधते थे, उस पर कार्य करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, श्वासों की क्रियाओं को ना लेने का, ना छोड़ने का, ना रोकने का हमें कोई अभ्यास है। तो ये जो कुंभक है ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप एक बार देखिए तो सही कि आप जो श्वास ले रहे हैं उसको रोक कितनी देर पाते हैं। अगर आप 10 सेकंड रोक पाते हैं तो मानिए कि आपके लंग्स थोड़ी गति में हैं। अगर आप 20 सेकंड रोकते हैं, 30 सेकंड रोकते हैं, 40 सेकंड रोकते हैं, एक मिनट श्वास को रोक पाते हैं तो आप अपने जितना भी जो हमारे शरीर के अंदर वैक्यूम बनता है वो वैक्यूम हमारी जितनी पाइपलाइंस है, हमारा जो कफ है उसको काटने में, क्योंकि जैसे ही आप श्वास को रोकेंगे आपके नसों के अंदर की जो साइड अंदर की परतें हैं उनमें श्रिंक होना शुरू होता है, थोड़ा फैलना सिकुड़ना शुरू होता है। उससे एक तो कफ कटेगा। आप देखेंगे कि जब आप श्वास रोकते हैं तो आपको ये एलर्जिकल प्रॉब्लम, जिसमें एक सबसे अच्छा प्राणायाम है जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है वो है नाड़ी शोधन। जब आप नाड़ी शोधन में 10 गिनती तक श्वास भरते हैं और 20 गिनती तक रोकते हैं और 10 गिनती तक छोड़ते हैं, 10 तक भरते हैं, 20 तक रोकते हैं और 10 तक छोड़ते हैं, ये 10 मिनट करके देखना आप। जब ये कुंभक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, जिनको एलर्जिकल प्रॉब्लम है, जिनको यहाँ छींकें आती है बहुत ज्यादा उनकी बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपको ऐसा लगेगा जैसे बटन सी खुल रही है, आपको एकदम से ये पूरा खुला हुआ महसूस होगा। जिनको रात को खराटे आते हो वो भी अगर कुंभक करें तो लाभकारी है। जिनको सांसें रुकती हो, जिनको टेंशन तनाव रहता हो, जिनके भ्रुकुटियां तनी हुई रहती हो, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, जिनके शरीर में उद्वेलन सा रहता हो, जिनके हड्डियों में दर्द रहता हो, ऐसे लोगों के लिए कुंभक विशेष लाभकारी है। क्यों? क्योंकि आप जब इनहेल करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर रुकता है, और जब रुकता है तो वो ब्लड के अंदर धीरे 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 रमता हुआ जाता है। जब वो रमता हुआ जाएगा तो वहां से सेल से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को भी उसी गति से निकालेगा, और पूरी जड़ से वो गति से जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा तो हमारे शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। तो आप कुंभक को जीवन में एक हिस्सा बनाइए, कुंभक करिए। जब आप श्वास लेते हैं तो जैसे आपने 10 गिनती तक श्वास भरा या 5 गिनती तक श्वास भरा तो उससे डबल आप रोकने का अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। जब आपका अभ्यास बढ़ जाए तो आप उससे ज्यादा यानी 20 गिनती तक श्वास लेने का अभ्यास कीजिए और रोकने का डबल यानी 40 बार रोकिएगा। कैसे? ये मैंने लिया 5 गिनती तक, रोका मैंने इसको, दस गिनती तक, और छोड़ेंगे 5 गिनती तक। तो ये 5-10-5 का रेशियो हो गया। फिर आप 5-20-10-20-10 का रेशियो कर सकते हैं, फिर आप 20-40-20 का रेशियो कर सकते हैं। इस प्रकार के अनुपात से आप अपने अंदर जो है बहुत कुछ चेंज करेंगे केवल श्वासों की इतनी सी क्रिया के लिए। इसी को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के बहुत सारे रूप है जिसमें से एक कुंभक भी आता है। इस कुंभक को जीवन में अपनाइएगा, शरीर स्वस्थ बनाइएगा। बहुत सारी और भी चीजें हैं, बातें हैं, करते रहेंगे। हमारी नियमित योग क्लास 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है। आप जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सुबह नियमित रूप से हमारे साथ 5:30 से 6:30 और 7 से 8, 5:30 से 6:30 ध्यान क्लास, 7 से 8 हमारी जो है योगासन थेरेपी, और शाम को 5 से 6 शाम की योगासन थेरेपी की क्लास रहती है। आप नियमित आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।